हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम आईटीआई ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी जो दो वीडियोस बन चुके हैं उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो देखते हैं सेंट्रल एसी टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स क्या है। सो 109 क्वेश्चन है, विच आर ए सी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बिलोंग्स टू सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग। तो फ्रॉम द ऑप्शंस यू कैन से दैट चिलर प्लांट ए सी बिलोंग्स टू सेंट्रल ए सी प्लांट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 110 क्वेश्चन है, वॉट इज द परसेंटेज ऑफ एच सी एल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज फॉर मेकिंग डी स्केलिंग सोल्यूशन विथ वाटर। तो एक्चुअली कंडेंसर को क्लीन करने के लिए आपको एसिड सोल्यूशन बनाना होगा और तो जो मोस्ट पॉपुलर एसिड यूज इज एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आप सोल्यूशन बनाते हैं एसिड का तो एच सी एल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए पानी में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 5%। 111 क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टोटल प्रेशर इन एन एयर डक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पिटोट ट्यूब मैनोमीटर। 112 क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय टोटल प्रेशर इन अ डक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्टैटिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्रेशर। 113 क्वेश्चन है, विच डिवाइस कंट्रोल्स द मॉइस्चर इन एसी रूम एयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमिडिटी स्टैट। 114 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सेंट्रल एसी सिस्टम कैन नॉट बी रिपेयर्ड आफ्टर पंप डाउन ऑपरेशन। इसलिए इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन सी लिक्विड रिसीवर, क्योंकि पंप डाउन होता है लिक्विड रिसीवर में ही। लिक्विड रिसीवर में पूरा रेफ्रिजरेंट को स्टोर किया जाता है, तो आफ्टर पंप डाउन अगर आप रिपेयर करने जाएंगे लिक्विड रिसीवर को तो पूरा रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा। इसलिए यू कैन नॉट रिपेयर ए लिक्विड रिसीवर आफ्टर ए पंप डाउन ऑपरेशन। 115 क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन डक्ट्स टू कंट्रोल एयर फ्लो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डैम्पर। 116 क्वेश्चन है, विच कॉम्पोनेंट्स आर यूज इन एएचयू ऑफ सेंट्रल एसी प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्लोअर एयर फिल्टर एंड एवोपरेटर। 117 क्वेश्चन है, विच कॉम्पोनेंट रिमूव्स द बर्स एंड मॉइस्चर फ्रॉम द सर्कुलेटिंग रेफ्रिजरेंट इन एसी प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फिल्टर ड्रायर। 118 क्वेश्चन है, विच डिफरेंशिएट्स द इंडस्ट्रियल एसी कंपेयर टू डोमेस्टिक एसी सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेपरेट प्लांट रूम। 119 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द वाटर कूल्ड कंडेंसर इन इंडस्ट्रियल एसी प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रिजेक्ट मोर हीट टू वाटर। 128th क्वेश्चन है, विच टेम्परेचर अक्रॉस वाटर ट्यूब इंडिकेट द शेल एंड ट्यूब कंडेंसर फॉर डिस्केलिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 5°C। 121 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्किंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम द नॉन कंडेंसेबल अक्यूमुलेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टॉप ऑफ द कंडेंसर। 122nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवोपरेटर सरफेस टेम्परेचर मेंटेन्ड इन ड्यू ह्यूमिडिफायर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर। 123rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए ह्यूमिडिटी स्टैट इन ए इंडस्ट्रियल एसी प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। 124th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलिंग टावर इन एन सेंट्रल एसी प्लांट। तो कूलिंग टावर लगाया जाता है कंडेंसर के जो वाटर है उसको ठंडा करने के लिए, ऑप्शन डी कूल द कंडेंसर वाटर इज द राइट आंसर। 125th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ वाटर पंप बिकम्स वॉर्न आउट फर्स्ट। सबसे जल्दी खराब होने वाली वो कौन सा पार्ट है वाटर पंप की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शाफ्ट स्लीव। 126 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ कूलिंग टावर सम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रिमूव द स्लज। 127 क्वेश्चन है, विच सक्शन लाइन प्रेशर इंश्योर्स दैट द कंप्रेसर इज टू बी स्टॉप ड्यूरिंग पंप डाउन ऑपरेशन। जो लोएस्ट प्रेशर है पॉजिटिव में वो है 0.5 kg/cm². तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 128th क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्टैटिक एंड टोटल प्रेशर ऑफ एयर इन अ डक्टिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पिटोट ट्यूब। 129th क्वेश्चन है, व्हाई द स्टेनलेस स्टील मेटल इज यूज टू मेक एवोपरेटर इन आइस प्लांट। इसका आंसर है ऑप्शन डी नॉन करोजिव। 130th क्वेश्चन है, विच गेज इज कनेक्टेड टू द एसी प्लांट सिस्टम बिफोर पंप डाउन ऑपरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कंपाउंड गेज। 131st क्वेश्चन है, व्हाई द ग्लास वूल इंसुलेशन इज अवॉइडेड इन डक्ट्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी एलॉस वेपर ट्रांसमिशन। 132nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्केल फॉर्मेशन इनसाइड द ट्यूब्स ऑफ चिलर इन इंडस्ट्रियल एसी प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रिड्यूस द हीट ट्रांसफर।
133rd question है, which parameter is checked if the air flow in supply duct is reduced in central AC plant? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्लोअर मोटर एम्पियर स्पीड। 134th question है, what is the effect of residual acid particles after descaling the shell and tube condenser in industrial AC plant? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, corrode the tubes। 135th question है, what is the effect of partially choked thermostatic expansion valve in central AC plant? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, Frostat expansion wall। 134th question है, what is the effect of partially choked thermostatic expansion valve in central AC plant? So ye the central air conditioning ke important question and answers. Subscribe kare Academy Online for you channel ko. Thank you for watching this video.